गुड मॉर्निंग गाइस। और इस समय मैं रेडी हो चुका हूँ, फैमिली भी हमारी रेडी हो गई है, होटल कमरे में सारे नीचे पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमारी आ चुके हैं। तो आज हम निकल रहे हैं शिलोंग के लिए। और ये रूम था हमारा, एक ये है डीलक्स और एक हमने लिया था लग्जरी ग्रैंड, तो वो नीचे है। तो सब लोग रेडी होके पहुंच गए हैं, हम भी पहुंचेंगे, रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे। कैब जो हमारी इनोवा करी है हमने, तो जल्दी से चलते हैं ताकि लेट ना हो जाए शिलोंग पहुंचने में। और एक चीज, अगर आप शिलोंग जा रहे हैं गुवाहाटी से, डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या आपका और आधार कार्ड होना चाहिए। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो 72 घंटे का आरटीपीसीआर होना जरूरी है। हमारे पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है सबके पास, और आधार कार्ड तो है ही, वो आपको रखना मैंडेटरी है। तो चलिए जल्दी से नीचे पहुंच जाते हैं गाड़ी के पास और वीडियो को फिर से जर्नी को शुरू कर देते हैं। और ये है मॉर्निंग का होटल के बाहर का नज़ारा। ट्रैफिक जैम काफ़ी है, पब्लिक काफ़ी है। और ये आगे हमारी गाड़ी, तो गाड़ी में चल के बैठ जाते हैं और जर्नी को शुरू करते हैं। गाड़ी से निकल के हम शिलोंग जा रहे थे और रास्ते में ये भारत पेट्रोलियम का पंप पड़ा है। यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है, ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोकी है पेट्रोल भराने के लिए, क्योंकि आगे रास्ते में जो है हो सकता है पेट्रोल भरने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ से टैंक फुल करके चल रहे हैं। और यहाँ पे भी जो है, अगर आप माउंटेन का व्यू, यहाँ पीछे पेट्रोल पंप पे भी मौसम यहाँ से जो है काफ़ी ठंडा होने लगा है। अभी गर्मी तो नहीं लग रही जितनी गुवाहाटी में लग रही थी, थोड़ा हल्का हल्का ठंडा सा लग रहा है। मौसम काफ़ी साफ़ है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और अभी यहाँ से शिलोंग जो है हार्डली 72 किलोमीटर है, तो पेट्रोल भर जाता है और गाड़ी में चल के बैठते हैं और आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जब सामने गुवाहाटी से आके जाएं व्हाइट कार आ रही है, जब आप शिलोंग के जाएंगे तो यहाँ पे कोविड के स्क्रीनिंग की चेक पोस्ट पड़ती है। यहाँ पे आपको जो है अपना ई पास जो है शिलोंग जाने का लेना पड़ेगा, गुवाहाटी से शिलोंग जाने का। अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको एक दिन का, अगर वहाँ स्टे कर रहे हैं तो वो बता के यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेघालय टूरिज्म की ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें अपनी डिटेल आईडी कार्ड वगैरह लगाना है, कितने लोग हैं वो लगाना है। और उसके बाद आपको एक QR आएगा, QR आपको सामने काउंटर पर दिखाना है, वहाँ से एक टिकट पास जनरेट होगा, वो लेके आपको अपने गाड़ी नंबर के साथ उनको बताना होगा। और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आप जो है शिलोंग जा सकते हैं। तो हमने ये सारा प्रोसीजर फॉलो कर लिया, 6 लोगों के लिए हमने ई पास ले लिया है। तो आप फ़ोन से भी जो है मेघालय टूरिज़्म की ऐप डाउनलोड करके अपनी कार में बैठ के भी वहाँ से आप कर सकते हैं। जब QR जनरेट हो जाए तो आप काउंटर पे दिखाइए सामने और वहाँ से ई पास लेके आप जा सकते हैं। तो अब हमने ले लिया है ई पास और अब जल्दी से गाड़ी में चल रहे हैं और चलते हैं फिर सीधे अब शिलोंग। शिलोंग जाते समय मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके हैं हाईवे ढाबा 2 पे। ये आपको शिलोंग से जाते समय ही पड़ जाएगा रास्ते में, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और सुनने में आया काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है आपको टेस्ट मिल जाता है खाने का। काफ़ी सारे टूरिस्ट जो शिलोंग जा रहे हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं और हम भी यहाँ पे जो है नाश्ता करेंगे और फिर आगे शिलोंग के लिए चलेंगे। और शिलोंग जाते समय अभी हम रुके हैं उमियम लेक व्यू पॉइंट की तरफ। और ये रोड है, यहाँ से सामने से गुवाहाटी से शिलोंग आते हुए पड़ता है और इस तरफ है शिलोंग और ये है नीचे उमियम लेक। और यहाँ पे हम खड़े हैं, ये है उमियम लेक व्यू पॉइंट। यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके हैं, यहाँ पे इसका व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। और जैसे हमारे कैब वाले, उन्होंने बताया कि जब बारिश होती है तब जो पेड़ का इतना हिस्सा है और ये सारा पानी में कवर हो जाता है तो ये और भी अच्छा लगता है। मगर अभी भी इसकी ग्रीनरी जो है इसकी वो काफ़ी अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल।
तभी हम कुछ दिन रुक के फोटो वगैरह खींचेंगे, फिर चलते हैं अपनी कार में शिलोंग की तरफ। यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया है। और दूसरा, ऊपर क्लाउड, नीचे लेक और ग्रीनरी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो जब आप शिलोंग जाते समय आएँ तो उम्यूम लेक यहाँ पर रुक के व्यू पॉइंट पर यहाँ से उम्यूम लेक का व्यू देखना मत भूलिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो अब हम चल रहे हैं अपनी कार में बैठने शिलोंग चलने के लिए। तो शिलोंग में सबसे पहले हम आ गए हैं पहला टूरिस्ट लोकेशन एलिफेंटा फॉल्स, क्योंकि शिलोंग व्यू पॉइंट जो है कोविड के बाद से जो है असम राइफल ने बंद कर दिया है। हमने जाने की कोशिश करी मगर हमें एंट्री नहीं मिली। तो आप भी शिलोंग आते तो ध्यान रखिएगा, कोविड के बाद से अब जो है शिलोंग व्यू पॉइंट बंद हो चुका है। तो आप सबसे पहले आ सकते हैं एलिफेंट फॉल्स, जहाँ हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमने टिकट ली है 100 रुपये पर पर्सन, 6 लोगों की 600 रुपये ली है। और ये आ गया है मेन जगह एलिफेंट फॉल्स की। और यहाँ के मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, और आप भी देख सकते हैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आइटम की शॉपिंग का है। आप यहाँ पे कोई आइटम परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, खाना खाना चाहे ब्रेकफास्ट वगैरह वो भी कर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह वो भी कर सकते हैं। और एंट्री के लिए यहाँ से जाना है हमें नीचे की तरफ। और एलिफेंट फॉल्स के एंट्री गेट से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से ट्रेडिशनल ड्रेस में आप जो है फोटोग्राफ भी खींच सकते हैं और इसमें डांस वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप खासी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ खासी की ट्रेडिशनल ज्वेलरीज वगैरह देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल ड्रेसिंग स्टाइल में आपको यहाँ तैयार किया जाता है। और यहाँ हम एलिफेंट फॉल्स के अंदर आ गए हैं, और यहाँ आप एक ये बोर्ड लगाए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जिसे एलिफेंट फॉल्स क्यों कहा जाता है। और एलिफेंट फॉल्स हैं यहाँ पे 3 पार्ट में है, एक है फर्स्ट फॉल इस तरफ राइट में, सेकंड फॉल, थर्ड फॉल नीचे है, और हमारे सामने जो ये वाला फॉल्स है ये है फर्स्ट फॉल जो हम अभी देखने आए हैं। और इसके बाद इसको देख के फिर हम चलेंगे सेकेंड फॉल और थर्ड फॉल्स में। अब जो है एलिफेंट फॉल्स को जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉल को जो है आप दूर से देख सकते हैं, पास तो आप जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता कहीं है ही नहीं, और पानी का बहाव वो भी काफ़ी तेज़ है। मगर ये है कि यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है, और इसकी आवाज़ सुनिए, और आवाज़ जो है इसकी काफ़ी गजब की आ रही है। मीन यहाँ पर आके एक अलग ही व्यू देखने को मिलता है एलिफेंट फॉल्स का। अब ये फर्स्ट फॉल है, अब हम चल रहे हैं सेकंड फॉल और थर्ड फॉल देखने। और यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स के साथ यहाँ पे नीचे स्टेयर्स हैं, यहाँ से डाउन स्टेयर आपको नीचे जाना है और फिर आप पहुँच जाएंगे सेकंड फॉल और थर्ड फॉल्स। और ये आ गए हम दूसरे फॉल्स पे। अब ये वाला जो पानी है ये वो पानी है जो ऊपर एलिफेंट फॉल्स है फर्स्ट फॉल से आ रहा था। अब यहाँ पे इसका बहाव काफ़ी कम है, यानी बहाव ना के बराबर है, लेकिन जितना अच्छा ऊपर फर्स्ट फॉल लग रहा था उतना अच्छा ये नहीं लग रहा है। बट हाँ ये है कि इतना दूर आए हैं तो आके देख सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ ये भी काफ़ी बेहतर है। और यहीं पर नीचे है थर्ड फॉल जहाँ हमें जाना है।
तो अगर आप और पास से देखना चाहते हैं पानी में तो आप जा सकते हैं थर्ड फॉल्स। अभी चलते हैं फिर नीचे थर्ड फॉल्स पे इस तरफ से। और यहाँ से और पास से इसका जो है आप व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। और आवाज़ बहुत गजब की आ रही है। चलिए चलते हैं नीचे थर्ड फॉल की तरफ। यही है थर्ड फॉल जो नीचे सामने से दिखाई देगा, तो चलते हैं सीधे नीचे की तरफ। और ये आ गए हम नीचे थर्ड फॉल्स की तरफ, सीधे थर्ड फॉल्स आ गए हैं। और यहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हैं, कितना इसका शानदार व्यू आ रहा है। और पानी की आवाज़ में बिल्कुल वाटर जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है आपका, सब कुछ इसमें आपको साफ दिख जाएगा, कोई भी इसमें गंदगी वगैरह कुछ भी नहीं है। और आवाज़ जो है पानी की वो भी बिल्कुल साफ आ रही है, कोई भी ऐसा नहीं कि हवा की वजह से पानी पास जो है रुक रही हो। बहुत मस्त लग रहा है, हवा भी बहुत काफ़ी चल रही है और टेम्परेचर भी काफ़ी यहाँ का अच्छा है। तो अभी यहाँ कुछ देर रुक के फ़ोटो खींचेंगे। और अगर आप यहाँ पास में जाना चाहें फॉल्स के बिल्कुल पास से इसको देखना चाहें, तो इसी वजह से यहाँ पर छोटी सी बोट राइड है, इसके थ्रू आप वहाँ तक सामने जा सकते हैं फॉल्स के पास तक। और नहीं तो वैसे अगर आपको फॉल्स का मज़ा लेना है, इसमें थोड़े पैर वगैरह रख सकते हैं पानी में, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ देर रुकते हैं और चलते हैं फिर अब नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। अंदर एलिफेंट फॉल से निकल के हमने कुछ शॉपिंग करी और मैंने कैप लिए, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये कैप लिए मैंने, यहाँ से 150 की देते हैं डिस्काउंट करके, 100 की ये कैप ली है। अब गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं हम चेरापूंजी। बीच में कोई टूरिस्ट स्पॉट पर कोई फॉल्स पड़ेगा तो वहाँ रुक जाएंगे, वरना सीधे चेरापूंजी चलते हैं। चेरापूंजी जाते तो रास्ते में खड़े हैं और चेरापूंजी का मेन स्टार्टिंग पॉइंट ही आ चुका है, यहाँ से चेरापूंजी स्टार्ट है। और रास्ते में हमें यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल व्यू दिख गया है, आपको भी दिख रहा होगा, आप सामने देख लो पूरी तरफ ग्रीन 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 माउंटेन दोनों तरफ और बीच में पूरा क्लाउड। व्यू इतना शानदार आ रहा है कि यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा, बहुत शानदार व्यू आ रहा है, बहुत क्रिस्टल क्लियर व्यू है क्लाउड का, ग्रीनरी का, बहुत मज़ा आ रहा है। और मौसम भी काफ़ी ठंडा है। और यहाँ पे अगर आपको फॉल्स देखना है तो आप नीचे जाके देख सकते हैं फॉल्स, सामने जहाँ से आपको रेड कलर की कार दिख रही है वहाँ पे नीचे फॉल्स पे जाने का एंट्री गेट है। और एक फॉल्स है काफ़ी बड़ा वहाँ पे नीचे इस तरफ, यहाँ से नीचे जाएंगे सीधे जाके एक कोई फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं फॉल्स का व्यू। अगर आपका टाइम लगा इस वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप अगर आते हैं चेरापूंजी तो आप ज़रूर जाइएगा। तो कुछ देर यहाँ रुकते हैं, मौसम का आनंद लेंगे, उसके बाद चलते हैं आगे, ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। अभी हम चेरापूंजी में थोड़ा और आगे आए, हमको यहाँ से भी व्यू पॉइंट काफ़ी बढ़िया मिला। और यहीं पे पीछे ऊपर यहाँ पर है चेरापूंजी व्यू पॉइंट, यहाँ से ऊपर चढ़ के आप जो है मेघालय पूरा मेघालय और चेरापूंजी देख सकते हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। और जो है सामने वाला माउंटेन है, इसमें शायद कैमरे में नहीं आ रहा होगा, बट सामने वाले माउंटेन में जो यहाँ पे है ये वाली रोड, इस जगह ये जाती है सीधे बांग्लादेश, सीधे बांग्लादेश बॉर्डर जाती है। और इन व्यू पॉइंट के पास यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी ठंड दूर करने के लिए मैगी वगैरह खा सकते हैं। अब यहाँ पे मैगी का रेट ऐसे है
कि जो 10 रुपये का पैकेट है वो यहाँ पे आपको 40 रुपीज़ की वेजिटेबल मैगी बना के देंगे। बट काफ़ी अच्छी हमने खाई, उसमें एवरेस्ट के मसाले पड़े, बहुत टेस्टी लगी, सारी सर्दी दूर हो गई। अब ऊपर चढ़ रहे हैं व्यू पॉइंट पे, एंट्री टिकट सामने है, पता करते हैं चल के कितने की टिकट मिली। और इस व्यू पॉइंट की जो एंट्री फीस है वो है 10 रुपये एंट्री फीस है, वीडियो कैमरा और फिल्म शूटिंग की लिखी नहीं है, वो भी पता कर लेते हैं। ये वीडियो कैमरा फिल्म शूटिंग की कितनी है? कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। और एंट्री फीस 10 रुपये है। और व्यू पॉइंट का नाम है लाइज सोफिला व्यू पॉइंट, जो भी है समझ नहीं आ रहा। और ये है टिकट प्राइस 6 लोगों का, और ये टिकट 5 पर्सन्स की है। ये रहा व्यू पॉइंट का नाम, टाइंगम मासी व्यू पॉइंट, वीडियो कैमरा 30 और फिल्म शूटिंग करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़। टाइमिंग है 6 AM से 5:30 PM। चलते हैं ऊपर की तरफ, और ये व्यू पॉइंट पे है ऊपर छोटा सा झरना, ये है लेक, और यहाँ से लेक से पानी जाता है नीचे। पापा भी थक गए। और ये हम आ गए व्यू पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे बैठने का भी है, बैठ के आप फोटो वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे भी हट बनी है और यहाँ पे भी। अब यहाँ से जो व्यू है आप खुद देख लो, बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे आओ तो एक चीज़ का ख्याल रखना, ज़्यादा आगे नहीं जाना, गिरने का भी डर हो सकता है, नीचे सी की वार्निंग दी गई थी। बट यहाँ से जो व्यू है वो ऑसम है, माय गॉड, गजब गजब व्यू है यहाँ से। सामने की रेंज ये वाली, इस पे बांग्लादेश जाने की रोड साफ दिखाई दे रही, कैमरे में आ रही होगी कि नहीं वो नहीं पता, बट यहाँ से खुली आँख से साफ दिख रही है बिल्कुल। एक दो ट्रैफिक गाड़ी वगैरह जब आ रहे थे तब वहाँ पे रोड पे चलता दिखाई दिया, बट क्योंकि इस समय मौसम ख़राब होने लगा है, आप खुद देख लो क्लाउड यहाँ पे धीरे धीरे आने आ रहे हैं, इस वजह से जो है ट्रैफिक अभी वहाँ पे कम है, एक दो गाड़ियाँ ही वहाँ पे बांग्लादेश से जाती हुई पता चल रही हैं। बाकी व्यू पॉइंट यहाँ से बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, व्यू काफ़ी शानदार आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद चलते हैं आगे गाड़ी में बैठ के। आहा, मज़ा आ गया। अभी हम एक और व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जो है वाकबा लतारा फॉल्स का व्यू पॉइंट। इसका मेन जो वाटरफॉल का व्यू पॉइंट है वो सामने आप गिरमल हट देख रहे हैं वहाँ पर है, लेकिन अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं तो यहाँ से आगे आएंगे थोड़ा सा दूर एक किलोमीटर लगभग, तो यहाँ से आपको व्यू पॉइंट का टिकट मिलेगा। ये हमारा टिकट है 20 रुपये का है, तो चल के यहाँ से वाकबा फॉल्स का व्यू पॉइंट देख लेते हैं। वाव, और ये है वाकबा फॉल्स जिसका हमको व्यू पॉइंट का टिकट मिला है। फॉल्स देखो आप कितना बड़ा है, और इसका फॉल्स की जो आवाज़ है कितनी क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है जैसे हम बिल्कुल फॉल्स के पास खड़े हों। अगर थोड़ा और जूम करूँ मैं तो आप इसके फॉल्स के वाटर का जो फ्लो है वो देखो आप यहाँ से दूर से कितना स्लो लग रहा है कितना धीरे होगा, बट रियलिटी देखा जाए तो काफ़ी तेज़ आ रहा है। तो यहाँ से जो व्यू पॉइंट है वाकबा फॉल्स का ये काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ से फॉल्स का जो व्यू पॉइंट है यहाँ से अगर आप नीचे देखो, नीचे एक तो वैली का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है, कितना शानदार, और सामने देखो आप तो क्लाउड ही, कितने सारे क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक ऑसम जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल गया। और जो फॉल्स है इसका एक्सपीरियंस तो अलग हटके ही है, माइंड ब्लोइंग। 20 रुपये वसूल हो गए मेरे तो भाई, क्या मतलब कहने के लिए जो है कुछ रह ही नहीं गया, इतना मस्त आ रहा है। काश वहाँ से जाके देख लेते, बट टाइम नहीं है, लेकिन हाँ
कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया है। तो अगर आप आओ तो कोशिश करना वाकबा फॉल्स, आप वहीं से टिकट लेके वहीं जाके देखो, वहां से आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। अब यहां से चल रहे हैं वापस गाड़ी में, इसकी फ़ोटो वगैरह थोड़ी बहुत स्नैप्स मैं ले लेता हूँ, उसके बाद वापस गाड़ी में चलते हैं। हम आ चुके हैं अपने शिलोंग के ट्रिप के लास्ट लोकेशन जो है यहाँ का सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स, और इसको आप देख सकते हो काफी बहुत बड़ा वाटरफॉल है ये, इसका एरिया वगैरह आप देख सकते हो। तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, हम यहीं पे ट्रिप को ख़त्म करते हैं शिलोंग की ट्रिप को, और मिलेंगे कल आपको फिर से एक बार गुवाहाटी की लोकल साइट सीन पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।